हैं जिनकी कुर्बानियों से आज हमारा भारत हम आजाद और सुखी हैं। इन शहीदों को देशभक्तों को याद करना ही हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि उनको ये पता चले कि भारत ऐसे आजाद नहीं हुआ। भारत को आजाद कराने के लिए चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों, चाहे उनके चार साहिबजादे हों जिनको नीयों में चनवा दिया गया, चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज, चाहे महाराणा प्रताप, कभी अंग्रेजों की गुलामी, कभी मुगलों की गुलामी, किस तरीके से भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरा और उसके बाद यह भारत आजाद हुआ। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या हम आजादी के बाद इस आजादी की रक्षा कर पाए? क्या जो शहीद आजम भगत सिंह जी का अधूरा सपना था, मंगल पांडे जी का, जलियांवाला बाग के शहीदों का, राजगुरु सुखदेव जी का जो अधूरा सपना था कि हम तो फांसी के फंदे को चूम के जा रहे हैं, हम तो अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खा के जा रहे हैं, पर हमारे जाने के बाद एक मकसद जरूर होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, कास्ट बड़ी हो छोटी हो, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, गरीब और अमीर में फर्क नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच में फर्क नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा, आज मंगल पांडे जी के जन्मदिन के ऊपर उन शहीदों को याद करते हुए हमारा अपने पे हमारा सबको, हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को एक सवाल है। उन्होंने तो कुर्बानियां शहादतें दे दी, उन्होंने तो आजाद भारत दे दिया, क्या हम आजादी की रक्षा कर पाए? क्या हम उन असूलों पे चल पाए? आजादी के पहले भी राजनीतिक लोग थे, मंगल पांडे जैसे बहादुर योद्धे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी जैसे बहादुर योद्धे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब अपने घर से निकलते थे तो कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे, और कराया। वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, वो चाहते तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बन सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, हम कुर्बानी देंगे, हम शहादतें देंगे, हम फांसी के रस्से को चूमेंगे, हम अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खाएंगे, पर आने वाली जनरेशन के लिए एक जज्बा पैदा करके जाएंगे, एक गर्म खून छोड़ के जाएंगे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है, कई ऐसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, नाम तो देशभक्ति है पर काम कैसे हैं? कास्टिज्म में बांटना लोगों को। आपने देखा होगा बिहार के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर दिल करता है ऐसे लोगों को देखने को, बताने को, लालू प्रसाद यादव, यादव जी सा परिवार, यह राजनीति है। मायावती जी, ये राजनीति है। कास्टिज्म में बांटना, कास्टिज्म में नारा दे करके कि दलित खतरे में है और उसके लीडर बन जाना, कोई यादव खतरे में है लीडर बन जाना, कोई सिख कौम खतरे में है लीडर बन जाना, कितनी देर तक ये चीजें चलती रहेंगी? जब भारत आजाद हुआ था, जब कुर्बानियां दी थी, हिंदू ने भी दी थी, मुसलमान ने भी दी थी, सिख ने भी दी थी, इस्तफाकुल्ला खान ने भी दी थी, पर आज क्या कमी रहेगी? हम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? हम भारत माता की जय बोलने में हमें दिक्कत क्यों आती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा एक सवाल है। पॉलिटिशियन क्या होता है? हम एक दूसरे को कहते हैं भाई मेरे से राजनीति मत करना, पर ये सोचा कि मेरे से राजनीति मत करना मतलब क्या हुआ? मेरे से पॉलिटिक्स मत करना, हम बुरे इंसान हैं इसलिए कहते हैं, हम दागदार हो चुके हैं इसलिए कहते हैं कि मेरे से राजनीति मत करना,
पर ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम ना सीपीआई, नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति नहीं करते, जो सिर्फ राष्ट्र नीति करते हैं, जिन्होंने छोटा बड़ा किसी में फर्क नहीं समझा। अगर कोई सफाई सेवक है तो उसकी पूरी कदर की। आज अगर कोई भारत माता की सफाई करता है तो उसके कारण ही आज भारत सुंदर है। उन्होंने एहसास कराया लोगों को। अगर वाराणसी में गए तो किसी के पांव को धोया, प्राइम मिनिस्टर ने किसी के पांव को हाथ लगाया, सफाई सेवक की किसी मां को लगाया। क्यों? उन्होंने बताया कि आजादी से पहले जो भगत सिंह जी का सपना था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी चाइना के अंदर सामने गोलियां, सामने बंदूकें, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री छाती चौड़ी करके 56 इंच का सीना लेकर के चले गए। किस लिए? हमारे लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, अपने जवानों की हौसला बढ़ाई करने के लिए कि पहले मैं सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार खड़ा हूं। और चाइना को नहीं, दुनिया को संदेश दे दिया, पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। एक अगर गोली चलाएगी तो मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हम 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम घर में नहीं बैठेंगे, पर मातृभूमि का आधा इंच हिस्सा जो मंगल पांडे जैसे बहादुर योद्धाओं ने अपने जीवन इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया, एक आधा इंच इस जमीन का हिस्सा कहीं जाने नहीं देंगे। उनकी शहादतों का किसी भी सूरत में अपमान नहीं होने देंगे। ये करके दिखाया। आपने देखा होगा 80-85 साल की वो कैंसर की बीमारी जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा, जो कोई नहीं कर पाया, जो सपना था सरदार पटेल जी का अधूरा, उसको पूरा किया, हटा के वो फेंक दिया जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे जलाए जाते थे, जहां वंदे मातरम बोला जाता था, गोलियां पत्थर बसाए जाते थे। आज कश्मीर को उन आतंकवाद से आजाद कराया। आज वहां तिरंगा झंडा एक होगा, वंदे मातरम एक होगा, भारत माता की जय एक होगी, संविधान एक होगा, जन गण मन एक होगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रनीति, हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रनीति करनी चाहिए, वंदे मातरम के ऊपर काम करना चाहिए, भारत माता की जय के ऊपर काम करना चाहिए, छोटे बड़े में फर्क ना हो, यही मंगल पांडे जी का सपना था। अमीर गरीब में फर्क ना रहे, यही मंगल पांडे उन शहीदों का उनका सपना था, उसको पूरा करें। आज जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, हिंदुस्तान में जगह जगह फैल चुकी है, और नरेंद्र मोदी जी ने जब आए उन्होंने पूरी कोशिश की ये फैले ना। कहीं उन्होंने कैंडल लाइट जगाने का काम किया, कहीं घंटी बजाने का काम किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहीं प्लेन चलाए। किसके लिए? उन सफाई सेवक भाइयों के लिए जिन्होंने मौत का कफन बांध करके पूरे मातृभूमि को साफ सुथरा रखा, उन डॉक्टरों के लिए जिन्होंने मौत का कफन बांध करके वो नर्सेज मानवता की सेवा की, वो पुलिस के जवान जो हमारी सुरक्षा करते रहे, जो हमको घरों के अंदर कहने के लिए कहते रहे, कई पुलिस के जवान, कई डॉक्टर, कई सफाई सेवक मानवता की रक्षा के लिए, मानवता को बचाते बचाते इस दुनिया से चले गए। मोदी जी ने एक जज्बा पैदा किया। और उसके बाद जो हिंदुस्तान के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीति की, उस राजनीति ने उस व्यक्ति का दिल जरूर तोड़ा है, उसका मन जरूर तोड़ा है, उसको रास्ते में कहीं अकेला जरूर छोड़ा है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर अच्छा काम कोई करता है मानवता के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, और उन शहीदों के सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा।
आज नहीं तो हम कल जाना है एक दिन दुनिया से, किसी ने नहीं रहना है। और सुभाष चंद्र बोस जी कहा करते थे, तेरा वैभव अम रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। नरेंद्र मोदी जी वही कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। हमने जाना है, हम लोग वो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तातियां टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चंद्रशेखर आजाद, रानी झांसी, लाला लाजपत राय, ये खून से लथपथ धरती, इस धरती को हम तो चले जाएंगे पर ये धरती के अंदर हमेशा एक खुशबू की तरह खुशबू, मिट्टी, हर मिट्टी को खुशबू बनाएंगे कि युवा पीढ़ी को वो मिट्टी की खुशबू एक जज्बा और हौसला देते रहेगी। अगर हम राजनीतिक लोग ये कुर्सी और सत्ता की खातर हम इस तरीके से कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे तो याद रखना देश फिर मुश्किल में आ जाएगा। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कई और जगह पे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। किसी को कोई डर नहीं मौत का, याद रखिएगा, मौत का डर है तो आम व्यक्ति को डर है, ऐसे पॉलिटिशियनों को डर नहीं है। क्यों, मैं कई बार कहा करता था 100 साल की किसी की उम्र हो जाए उसको कॉरपोरेशन की एक टिकट ऐसे करके हिलाते हुए दिखा दो, वो कब्र से भी बाहर आके इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, हंसना शुरू कर देगा। और आज तो हर व्यक्ति के सामने मौत खड़ी है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, पर हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हम अपनी फोटो खिंचाने के लिए, हम अपनी कुर्सी सत्ता के लिए, हम मीडिया में आने के लिए, हम ये नहीं देखते कि हमारे कारण अगर एक को कोरोना हो गया तो पूरे परिवार को होगा, पूरे परिवार को होगा तो आसपास लोगों को होगा, ये फैलता जाएगा। ये कैंसर की बीमारी नहीं है, कैंसर एक को होता ठीक, ये कोरोना है, ये मानव बम से भी खतरनाक है, ये फैलता जाएगा। पर नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जिसको इस वक्त मौत का डर नहीं वो भगवान को कहां याद करेगा, वो कहां मंगल पांडे जी की याद को ताजा करेगा, वो कहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको याद करेगा। क्यों, मौत का डर ही नहीं। एक होता जवान, मौत पे कफन का बांधता है, मैं हूं मौत का कफन बांधा हुआ है, मौत से जारी है, बम्बो गोलियों से जारी है। मैं डरता नहीं हूं बम्बो गोलियों से, मौत से बिल्कुल नहीं डरता हूं, मौत मेरी दोस्त है, जाएंगे तो देश के लिए शहीद होंगे। पर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आज 3.5 महीने से ऊपर से मैं अपने घर में हूं, मैं बम्बों गोलियों मौत से नहीं घबराया हूं, नहीं डरा हूं, पर मैं कोरोना से डर के घर में बैठा हूं। मेरे साथ तीन मेरे परिवार की तरह मेरे दोस्त हैं, लोग हैं, उनके अलावा मैं चौथे को किसी को मिला नहीं हूं। मौत से नहीं डरा, बम्बों से नहीं डरा, गोलियों से नहीं डरा, 14 बार हमलों से नहीं डरा, आगे भी नहीं डरता, पर मैं कोरोना से डर गया। पर ये पॉलिटिशियन आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनलों में देखा करो, मार्क्स नीचे है इनके, मार्क्स नीचे है, कैमरा आया नहीं तो पागल हुए नहीं। ये मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि देंगे, ये उनको याद करेंगे, ये उनका दिन मनाएंगे, ये लोग मनाएंगे, इनको पूछो मंगल पांडे जी कौन है, इनको कोई याद नहीं। इनको पूछो राजगुरु सुखदेव जी कौन है, इनको कोई याद नहीं। ये जो खद्दर है ना, खद्दर ये पहन के कड़कदार चलते हैं, खद्दर मांडी लगा के चलते हैं, नेता लीडर, आजादी से पहले लीडर होते थे, नेता होते थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी लीडर भगत सिंह, खद्दर पहनते थे। तो मुझे किसी ने एक सवाल पूछा, आज से 18 साल पहले किसी प्रेस के व्यक्ति ने मूवर शेखर के शो में, कि मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैंने खद्दर नहीं पहना। तो मैंने उनको कहा कि ये जो खद्दर है ये मंगल पांडे, सफाकुल्ला खां, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जलियांवाला बाग के लाल खून से चिट्टा खद्दर बना है। जब उस वक्त ये लोग खद्दर पहन के बाहर जाते थे, मौत का कफन बांध के कहते थे देशभक्त आ गए,
देश को आजादी आजाद कराने वाले वो योद्धे आ गए। कहते अब मैं क्या, अगर अब खद्दर पहन के जाते लोग कहते चोर आ गए, डाकू आ गए, इसलिए इस खद्दर पे हमने इतने बड़े दाग लगा दिए जो खून से खद्दर सजाया था उन्होंने, मंगल पांडे जी ने, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने, ये कई ऐसे कास्ट मतलब धर्म के नाम के ऊपर बांटने वाले लोगों ने इस खद्दर पे इतने निशान गंदे लगा दिए। मैं कहा अब खद्दर पहन के जाता हूं, लोग कहते चोर आ गए, डाकू आ गए, इसलिए खद्दर पहनना छोड़ दिया। तो आपको जागना होगा, जो देश के लिए व्यक्ति काम करे, जो सीमाओं की रक्षा करे, जो हर किसान का सोचे, गरीब का सोचे, जो बंद कमरों में ना रह करके सीमाओं की रक्षा के लिए 56 इंच की छाती चौड़ी करके चले जाए, उसका साथ जरूर दो। मैं ये नहीं कहता वोट डालो, मैं ये नहीं कहता उस पार्टी में जाओ, प्रथम राष्ट्र को लेकर के, मातृभूमि को लेकर के खड़े हो जाओ। और ये जो बहरूपी है कई लोग जो बंद कमरों में बोलते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बोलते हैं, इनको गरीब का नहीं पता किसी का गरीब होता क्या है, इनको जय श्री राम जी का नहीं पता कि जय श्री राम जी का इतिहास क्या था, इनको हनुमान जी का नहीं पता कि बजरंग बली जी का इतिहास क्या था, इनको भोले शंकर जी का नहीं पता कि उनका इतिहास क्या था, तो मंगल पांडे जी के इतिहास का इनको कहां से पता होगा? क्या ये देश चलाएंगे? हमारा देश वही चलाने के काबिल होता है जो गरीबी से निकला हो, जो जमीन से निकला हुआ हो। हम भी जमीन से निकले हैं, हमने गंदी नालियां साफ की हैं, जब गटर चोरी हो जाते थे खुद पकड़ के गटरों को लगाते थे को बीच में ना गिर जाए, उन गरीबों के साथ मिलकर के उनकी, उस वक्त की बात कर रहा हूं, 10-10 रुपए की पेंशन लगाई हमने, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, उस वक्त की बात कर रहा हूं। गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति, जमीन से निकला हुआ व्यक्ति, आम आदमी से निकला हुआ व्यक्ति, जो किसी पोजीशन पे बैठ जाए पर उसके दिमाग में जो चलता होना चाहिए इस वक्त इसकी हालत क्या होगी। तो हम आज मंगल पांडे जी को याद करके यह जरूर कहेंगे कि हमें उन शहीदों की याद को हमेशा ताजा रखना है, और यह मातृभूमि किसी एक नेता की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसमें सबका खून बहा है, ये मातृभूमि हमारी सबकी मातृभूमि है। किसी से हमारा वैर विरोध हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वैर विरोध हो सकता है, पर मातृभूमि से हमारा कोई विरोध नहीं। मातृभूमि के खिलाफ जो जाता है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस वक्त एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नेपाल, एक तरफ इकट्ठे खड़े हैं, एक तरफ कोरोना की महामारी, और इस वक्त जो भी व्यक्ति इस राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश करेंगे वो राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। इसलिए जागते रहना है, और जागते हुए अपने जवानों को याद रखना है हमें, और उनके लिए प्रेर करनी है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, मौत का कफन बांध करके वो हमेशा सुरक्षित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए, वंदे मातरम, और मुन्ना जी का, और मुन्ना जी के साथ सब पदाधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूं। जय हिंद। जय हिंद सर। ओके सर, लगता है मुन्ना जी चले गए हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ सर, हैं सर, आगे जी सर। Thank you.
अभी सर हमारे पास 9 मिनट हैं सर अभी। सर वो सर चले गए सर। जी नमस्कार जी। जी जी मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि अभी हम बिट्टा साहब को सुन रहे थे और उन्होंने जिस तरह वो पूर्ण वक्तव्य अपना दिया है तो उनको भी हमारा नमन है। वो एक जिंदा शहीद है और इस नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनका सम्मान करें अभिनंदन करें। ये है कि 5 साल हो गए हैं इस संस्था को जो RJS पॉजिटिव इंडिया करके हम इसको नाम देते हैं और उद्देश्य ये है कि हम लोगों में सकारात्मकता को डेवलप करें उसको विकसित करें। एक तरफ हमारे तरह तरह के विचार हैं हमारे देश में। राष्ट्रभक्ति एक तरफ है, एक अच्छा आदमी होना एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक आदमी होना एक अच्छी बात है। तो कई तरह की चीजें हैं जो कि बिखरी हुई हैं तो उनको हम किस तरह से लोगों के दिल दिमाग में स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य के साथ में जब ये 5 साल पहले ये संस्था अपने इस कार्य में लगी थी पॉजिटिव इंडिया उद्देश्य के लिए तो मुझे लगता है कि आज 5 साल के उस शिशु ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। वो अब घुटनों के बल नहीं बल्कि अपने पांव पर खड़े होकर के दौड़ना शुरू कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए मैं आपको और संस्था के तमाम पदाधिकारियों को और जो उसमें रुचि रखते हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। सकारात्मकता क्या है ये बात अक्सर हमारे दिमाग में आती है तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ एक श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु यस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् कि 18 जो पुराण है उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हम परोपकार करते हैं यही पुण्य होता है और जो हम किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की भी पीड़ा पहुंचाते हैं वो पाप होता है। ये पाप और पुण्य में ही हमारी सकारात्मकता और नकारात्मकता होती है। सकारात्मकता का मतलब ये है कि हम चीजों को जो है सही दिशा में सोचें, अच्छी तरह से सोचें, बेहतर करने का सोचें, जनहित के लिए सोचें
तो लगेगा कि हाँ आप जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में, लेकिन अगर कहीं पर नदी नाला आ रहा है और आप ये सोचें कि मेरी सकारात्मकता है मैं तो पार कर जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आप दुनिया से ही पार हो जाएंगे। ये आपकी धृष्टता है, प्रकृति ने आपको सावधान किया है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और फिर बह जाएंगे तो फिर बोलेंगे साहब हम तो बहुत पॉजिटिव होकर के चल रहे थे। अभी आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का जमाना है, COVID-19 करके बीमारी का एक दौर चल रहा है और सरकार इस बारे में तरह तरह के निर्देश देती है, उन निर्देशों का पालन अगर हम सही ढंग से नहीं करते हैं, और ये कि एक व्यक्ति इसी पॉजिटिव मूवमेंट पर मेरी बात हो रही थी, उसने कहा साहब मुझे तो नहीं लगता है कि कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी है। तो मैंने कहा भाई साहब जो है अगर बाय चांस की बात है कि वो वायरस आपके अंदर आ गया तो आप 3-4 दिन से ज्यादा तो चलेंगे नहीं, तो फिर मैं उत्तर कैसे लूंगा आपसे कि हाँ साहब अब क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी धृष्टताएं नहीं करनी चाहिए जिससे ये हमारा स्वास्थ्य खराब हो या हमारे जीवन में कठिनाई आए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। अभी पेड़ पर चढ़ जाओगे तुमने जो है उसकी ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, तो एक हौसला अपनी जगह पर होता है। हौसला किस बात का कि भाई ये काम कर सकता हूँ, यस आई कैन डू। अगर आप अंग्रेजी में ये कहते हैं, हिंदी में अगर ये कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा इस काम, तो करने लायक काम को करिए ना। आप अगर ऐसे काम के लिए, उल्टे काम के लिए, चोरी करने में तो हाँ मैं चोरी कर लूंगा, तो भाई साहब उसे कोई अच्छी बात तो आप कर नहीं रहे हैं। पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, बुरी तरह से हड्डियां तोड़ेगी, कुछ हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सकारात्मक होकर के आगे बढ़ते हैं, मैं कल मुन्ना जी से पूछ रहा था कि 5 साल हो गए हैं आपको इसमें क्या कठिनाइयां आई है, क्या आपने महसूस किया है। अक्सर किसी भी संस्था को 1-2 साल चलाना बड़ा मुश्किल होता है, ये 5 साल से संस्था को चला रहे हैं और 25 राज्यों में इनका अपना जो है पहुंच है, वहां लोग हैं, उन लोगों से बातें करना, कई जगह ये जाते हैं, जैसे रत्नार की बात अभी की है और इसी तरह से उत्तराखंड भी गए, कभी दूसरी जगहों पर जाते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलना, उन्हें बातें करना, समझाना सकारात्मकता क्या है उस बात को लेकर। कभी तो कोई ऐसा क्षण आता होगा ना कि मायूसी होती होगी कि यार वहां पर इतने लोगों से मैंने बात की थी, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, अब बंद कर देते हैं इसको, बेकार की बात है। हो सकता है काम करने वाले के दिमाग में आ सकता है, असफलताएं हमेशा आपको जो है सफलता का मार्ग देती है। अगर जीवन में कभी असफलता भी आ जाए, माफी चाहूंगा आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा जी, अभी वीडियो वो समाप्त होने वाली है, ये वाला सेशन, चलिए 2 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ 2 मिनट में हम लोग फिर जोड़ते हैं सर, 2 मिनट खत्म होने वाला है। इसी कंटिन्यूएशन में करिएगा, नहीं तो टाइम टूट जाएगा। जी 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 जी